वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। साथ ही में हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करके आप जीत सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा और बहुत सारे गैजेट्स। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हाई स्पीड में। आपको बता दें, राजस्थान गहलोत सरकार की ओर से गरीबों को एक और तोहफा दिया जा रहा है। जिस तरह मोदी सरकार की ओर से गरीब और सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया था, उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी अब गरीब और सवर्णों को 10% आरक्षण देगी। अब देख सकते हैं, जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इससे पहले गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। बुधवार को राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 14% आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार को भेजा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण लागू करने का निर्णय दिया। इस बारे में राज्य सरकार भी शीघ्र आधिकारिक रूप से निर्णय करेगी। और इसके साथ में आपको बता दें, किसान कर्ज माफी को लेकर सभी किसानों के कर्ज माफ होंगे। समय पर कर्ज चुकाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। गहलोत ने कहा कि सरकार ने सभी तरह के किसानों का कर्ज माफ के दायरे में लाने का निर्णय किया है। इससे बैंकों में गिरवी रखी किसानों की 2 लाख बीघा जमीन मुक्त हो सकेगी। सहकारी बैंकों का समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके लिए तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक आदि राज्यों की योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के सभी तरह के कर्ज माफ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से बात की जा रही है। कर्ज माफी के लिए सरकार बैंकों को 340 करोड़ रुपए की हिस्सा राशि उपलब्ध कराएगी। की खरीद के लिए प्रबंध करने और केंद्र सरकार से आग्रह करने की बात भी गहलोत ने कही। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता के लिए 5 लाख श्रम बूथ खोलने की घोषणा भी की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार भी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में ये लागू भी हो जाएगा। और कर्ज माफी की बात करें तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि सभी किसानों को कर्ज माफी की श्रेणी में लाने का विचार किया जा रहा है और जो लोग समय पर किस्तें चुकाते हैं उन लोगों को प्रोत्साहन भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में थी इतनी जानकारी। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।